आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र में इन दिनों बदलते मौसम के कारण फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। अब जलगांव समेत अन्य जिलों में मक्के की फसल कीटों से प्रभावित हो रही है। जलवायु परिवर्तन के कारण मक्का की फसलों पर कीट संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। मराठवाड़ा सहित खानदेश में मक्के का उत्पादन फॉल आर्मी वर्म कीटों से प्रभावित हुआ है। किसानों का कहना है कि कीटनाशकों के छिड़काव के 15 दिन बाद वापिस से फसलों में इस कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। उचित प्रबंधन के बावजूद कीटों का प्रकोप थम नहीं रहा है। मक्के के अंकुरण के 15 दिन बाद स्प्रे करने के बाद भी लार्वा की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। इसकी वजह से उत्पादन में कमी आ सकती है, जिससे किसानों को लाखों का नुकसान भी हो रहा है। न केवल उत्पादन के कारण बल्कि मक्के की खेती से भी पशुओं के चारे की समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में मक्के की खेती अधिक मात्रा में की जाती है। हालांकि इस साल जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को फसल बोने से लेकर खेती करने में ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसमें किसानों को प्रति एकड़ 300 से 400 रुपए का खर्च आता है। इसके बावजूद हर 15 दिन में कीड़ों का प्रकोप बढ़ रहा है। इससे उत्पादन पर असर पड़ेगा, लेकिन किसानों को डर भी है कि भविष्य में फसल की वृद्धि रुक जाने से चारे की समस्या गंभीर हो जाएगी, जिसके लिए किसान कृषि विभाग से मदद की गुहार लगा रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस तरह की समस्या देखी जा रही है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।